tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जब इन्होंने बताया कि मैं बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर सकता हूं, पुलटॉस और बिना मौका जोड़ दिया, जबरदस्त शानदार गगनचुंबी छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, स्वीप अप अच्छा स्ट्रोक। इनाद पवार पलटवार करना जानते हैं और फर्नांडिस साहब ज्यादा आगे चले गए। जब इतना ज्यादा आगे जाएंगे, पुलटॉस गेंद आएगी, तब बल्लेबाज का हाथ छोड़ने वाले हैं। घुटना टेका लेकिन वो प्रणाम के लिए नहीं, परिणाम के लिए। डॉप छोटी गेंद पर प्रहार, तारामंडल में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय स्ट्रोक है, क्या बात है। गेंद हवाई यात्रा पर और इस मैच में पलटवार करते हुए खास करके बल्लेबाज निनाद पवार, वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। पहले फुल टॉस उसके बाद में हाफ टैकर, बल्लेबाज का हाथ छोड़ने वाले हैं। स्कोर अब छलांग लगाता हुआ 46 रन, 46 रन संख्य कुल मिलाकर 48। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अलिस्टर फर्नांडिस। इस ओवर की अगली गेंद, क्या ये भी चली गई, ये भी चली गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, आईसीबी हवा चले और निनाद क्या है सबको पता चले, मौका है और दस्तूर लगातार बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए निनाद पवार। अलस्टर के ऊपर दबाव, मैच में जान डालने का काम करे निनाद पवार, शानदार बल्लेबाजी, दमदार स्ट्रोक। स्कोर बिल्कुल अब एक बार फिर घोड़े की चाल चलना शुरू हो गया है, 54 रन साथ एक्स्ट्रा कवर, एक मिडॉप पर खिलाड़ी तैनात। ओ हवा में गेंद है, ऊपर जाते भी इसको लेकर खिलाड़ी दायरे के अंदर, उसके नीचे आने की कोशिश और गेंद को छोड़ दिया। अच्छा प्रयास किया गया था, दोनों लेने का मौका, ऑनसेट पर डिप्स को लेकर बॉडी लेंग की तरफ खेलना चाहते थे निनाद पवार, फंस गए थे मिस्टर स्ट्रोक। 16 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। रिवर्स स्वीप, अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद, टाइमिंग बढ़िया, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर, निनाद पवार किया पलटवार, मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 9 गेंद में 25 रन बनाए अभी तक, 15 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर बढ़ाते हुए, प्रेशर कुकर की सिटी बज रही है, खटखटाने की क्षमता रखते हैं। सुनील की अगली गेंद, इसके को खेल दिया फाइन लेग पर बहुत खूबसूरती के साथ, फाइन लेग बॉल की तरफ गेंद जाती भी गैप में, टाइमिंग बेहतरीन। इस मैच पर अगर देखे तो बिल्कुल मैच की बात करें तो निनाद पवार जिनका बल्ला बोल रहा है बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार, कमाल कर रहे हैं निनाद पवार। स्कोर बिल्कुल आपको बताऊंगा, समीकरण आने वाली 10 गेंदे 22 रनों की जरूरत, शानदार मैच है, एक विकेट की तलाश। क्या निनाद इस मुकाबले में 50 रन पूरे कर पाएंगे वो देखने वाली बात। ओ क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, गेंद को तारामन में खेल दिया है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती भी, वार पे वार जोरदार प्रहार, कमाल कर रहे निनाद पवार और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर। लजबाद बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान पर। स्कोर एक बार फिर घोड़े की चाल चलता हुआ, 9 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, निनाद पवार अभी खेल रहे और अबाबे ऊपर है बहुत दूर, निनाद पवार का पलटवार। संजय भालेराव ने 4 गेंद पहले कहा था मुझे सुगंध आ दे, सुगंध आ रही है सुपर ओवर की और सुपर से ऊपर वाला मैच मैदान के अंदर, यह अनुमान था और निनाद पवार ने निराश नहीं किया। अलिस्टर ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ।
क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला है ये। संजय बालेराव जिन्हें पहले ही अनुमान लगाया था, वो दूसरी गेंद आई थी तब बोले थे कि अब सुपर से ऊपर वाला मैच होने वाला है।